अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एमओपी आइंगर है और पिछले वर्ष ही उनका क्वेश्चन पूछा गया था बीएससी में। ठीक है, तो एमओपी आइंगर का बहुत सारे योगदान रहे हैं। सबसे पहले एमओपी आइंगर क्या थे, एमओपी आइंगर का जन्म आइंगर का जन्म कब हुआ था? एमओपी आइंगर का जन्म 15 दिसंबर कब हुआ है? 15 दिसंबर 1886 को हुआ। इसकी में कहाँ हुआ है? मद्रास। कहाँ हुआ है? मद्रास, जो कि कहाँ पड़ता है? इंडिया में हुआ था। ठीक है, उसके बारे में बात है। वह एक क्या थे? वह एक फेमस, वह एक क्या थे? फेमस इकोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट थे। वह एक क्या थे? फेमस इकोलॉजिस्ट थे। इकोलॉजिस्ट क्या होता है? जो शैवाल का अध्ययन करते हैं, जो शैवाल का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? इकोलॉजिस्ट बोलते हैं। हू स्टडी क्या? एल्गी। हू स्टडी एल्गी, वो समझो साइकोलॉजिस्ट थे, फेमस क्या थे? साइकोलॉजिस्ट थे। अच्छा, उन्होंने रिसर्च किसको की थी? उन्होंने अपनी उन्होंने अपने रिसर्च अपनी उन्होंने अपनी रिसर्च किस पर की थी? उन्होंने अपनी रिसर्च साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ सेल्फ, स्टडी ऑफ सेल्फ को हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी और किससे की थी? टैक्सोनॉमी ऑफ सेल, टैक्सोनॉमी ऑफ एलजी। टैक्सोनॉमी ऑफ एलजी का मतलब है एलजी का नामकरण। अच्छा, ये टैक्सोनॉमी वर्ड हम देख रहे हैं, ये सबसे पहले किसने दिया था? तो लेनियस पार्ले, लीनियस कौनसे? लीनियस कैरोल सबसे ऐसे पहले थे जिसने टैक्सोनॉमी शब्द को दिया था। अच्छा, नाम अब ये कह रहा है एलवी की, एलवी मतलब क्या है? शैवाल, शैवाल की टैक्सोनॉमी देने के कारण ही, होने के कारण ही उन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, उन्होंने क्या करा था? एक उनके पिता के कौन थे? उनके पिता प्रशासनिक वकील थे। उनके पिता का नाम, उनके पिता का नाम क्या था वैसे? उनके पिता का नाम एम ओ एल आर एम ओ एल आर इन एल आर इंद्र दिया था, जो कि क्या थे? जो कि पेशे से, मतलब प्रोफेशन क्या था उनका?
वकील थे, इनके पापा वकील थे। नहीं, नाम बहुत खतरनाक है, एल आर एम भट्टाचार्य। उसके बाद मैथ का हमारा, इन्होंने डिग्री कहाँ से प्राप्त करती है? 12th की जो करी थी अपनी, वो कहाँ से करी है? रेसिडेंसी कॉलेज से करी है। 12th कहाँ से करी? रेसिडेंसी कॉलेज से करी, बीए एंड एमए कहाँ से करा? कहाँ से करा है? गवर्नमेंट कॉलेज से करा है। ये पहले इंसान है जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नहीं करा थे। उसके बाद 1920 में क्या बन गया ये? 1920 में जो है, 1920 में जो है क्या बन? प्रोफेसर ऑफ बॉटनी बने, प्रोफेसर ऑफ बॉटनी बने। कहाँ बनेगी? बनेगी ये प्रेसिडेंट कॉलेज में बनेगी। कहाँ है? प्रेसिडेंट सॉरी सेकेंड लेवल की। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th उन्होंने अपने कहाँ से करी थी? प्रेसिडेंट कॉलेज से। बी ए और एम ए कहाँ से करा? गवर्नमेंट कॉलेज से। 1911 में बने, लेक्चरर बने। कहाँ पर बने? टीचर कॉलेज में बने, ठीक है। 1920 में वह प्रेसिडेंट की कॉलेज में ही प्रोफेसर बन गए पहुंचने से। उसके बाद में 1930 में अरबी पर अध्ययन करते हुए जो फेमस फ्रेंच के साइंटिस्ट थे ऐसी के साथ काम किए, और उन्होंने एलवी स्पेक्ट्रेला पर काफी काम किया था। नोट नंबर टू, उन्होंने बहुत सारे स्पेसिमेन व हर्बेरियम को कलेक्ट करके मद्रास रखा था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज लिंक आपको नीचे मिल जाएगा।